हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर इतनी बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है लुप्त पदों को भरना। दोस्तों ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? लुप्त पदों को भरना। ये अपना चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 है दोस्तों। ये बहुत आसान चैप्टर है और आपने देखा होगा इससे एक क्वेश्चन तो दोस्तों 101% पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो दोस्तों 101% पूछा ही जाता है, दो भी पूछे जा सकते हैं, वरना एक तो जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी है। दोस्तों आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, और सबसे कठिन भी दोस्तों ये चैप्टर है। सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है दोस्तों। ठीक है, आसान कैसे है? आसान दोस्तों ऐसे है, अगर आप इसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस किए होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन की, तो आप देखते ही 5 सेकंड में इसका क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता होगा क्या लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो दोस्तों प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली टीचिंग में। आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, मतलब फुल मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर के दोस्तों आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। मतलब आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कोई तरीका आता है दोस्तों तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों हम क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा टाइप सीख जाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है यार, आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि मन नहीं करता यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ना, पूरा दिन लग जाता है वीडियो बनाने में। ठीक है, पूरा दिन लग जाता है वीडियो बनाने में। आपके लिए सोचना होता है कि किस तरीके से बताया जाए बच्चों को जिससे समझ में आए, और आप लोग होते हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते और वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, कैसे लोग हों आप, पता नहीं चलता कुछ भी। इतनी मेहनत से दूसरा आपके लिए एक बुक को कंप्लीट करा रहा है। मैं मानता हूँ अगर आपने कोई कोर्स ख़रीदा ना, कोर्स में किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूबर को बदनाम नहीं करना चाहता। अगर आपने किसी का कोर्स ख़रीदा है तो वहाँ से रीजनिंग पढ़ना और मुझसे रीजनिंग पढ़ना, आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। आप 1000 का कोर्स खरीदे हो दोस्तों, मैं तो आपसे कुछ नहीं ले रहा ना। बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि यार वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं करना, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा वो आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों हमारी प्रश्नावली है 19.1। ठीक है, प्रश्नावली क्या है? 19.1। आज हम समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे और दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमको आगे क्वेश्चन समझने में कहीं प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा ये 100 से 150 क्वेश्चन 4 से 5 वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएं दोस्तों। ठीक है, 4 से 5 वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कवर करवाना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जहाँ कर सकते हो वहाँ कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये निर्देश दिए हैं। ठीक है, निर्देश आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 से 56 तक दोस्तों, मतलब 19.1 एक्सरसाइज में 56 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इन सभी को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। निर्देश पढ़ लेंगे, इसने क्या दिया है? निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दोस्तों लुप्त पदों को आपको भरना होगा। जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, इसमें लुप्त पद दिया है ये दोस्तों। ठीक है, इसको आपको भरना होता है। आप देखोगे SSC CGL 2015 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, हमको अच्छे से समझना है। ठीक है,
मैं बहुत आसान क्वेश्चन से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम सोल्व कर रहे होंगे और आपको सारे ही तरीके सीख जाने हैं दोस्तों, ठीक है। आप सभी तरीके सीख जाओगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आपको पता तो चलना चाहिए क्वेश्चन में पूछता क्या है और हमको क्या बताना होता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि किसी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ पता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, कुछ नहीं पता क्या मिल जाए, आपको सभी तरीके आने चाहिए दोस्तों। मैं पहले वाले के इसके पहला है ये दोस्तों, दूसरा वाला है, ठीक है। इसके पहले वाले का ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ, ऑप्शन क्या, पहले इसको भर ही देता हूँ, पहले भर देता हूँ इसको 4 2 3 6 5 9 10 7 और दोस्तों ये खाली स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। दूसरा मैं आपको भर देता हूँ 4 इस तरीके से ही 2 3 6 5 9 24 10 और दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बताना है क्या आएगा। पहले के ऑप्शन में आपको लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन डी है 9 दोस्तों। दूसरे के ऑप्शन में आपको लिख देता हूँ, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 29 दोस्तों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। मैं दो क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या आएगा लुप्त पद, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन में यही बताना है लुप्त पद क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है दोस्तों, ठीक है। हमको क्या देखना होता है, जिस लाइन में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है उस लाइन पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब ये 10 कहाँ से आया है, ये 10 किस तरीके से बना है, ये 7 किस तरीके से बना है, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम क्या देखेंगे, आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ा 4 को और 6 को तो इसने 10 बना दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने अगले वाले में देखा, अगले कॉलम में देखा आपने, सर 2 को और 5 को जोड़ा, 2 को और 5 को जोड़ा तो इसने 7 बना दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कहता हूँ दोस्तों यही लॉजिक जो इन दो में फॉलो हुआ है वो आगे भी देख लेते हैं। आपने कहा सर 3 को और 9 को हमने जोड़ा, 3 को और 9 को हमने जोड़ा तो सर 12 आना चाहिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों, आप कहोगे सर 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब ये देखना है क्या ऑप्शन में है, आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन में है तो मेरा यही लॉजिक दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लॉजिक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-5 लॉजिक भी लग जाते हैं, जो मैं आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं आपको सभी लॉजिक बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो सकता था दोस्तों। अगले दूसरे क्वेश्चन में कहोगे आप कि सर आगे वाले में ये लॉजिक क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखोगे 4 और 6 को आपने जोड़ा तो 10 आना चाहिए, पर सर यहाँ पर तो 24 है, पर यहाँ पर तो 24 है। तो मैं कहता हूँ क्या पता हो सकता है इसने गुणा करके लिख दिया हो, 4 की और 6 की गुणा करके 24 लिख दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। आप कहो सर हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे लॉजिक समझ में आ गया, मतलब इनने क्या करा है 4 की और 6 की गुणा कर दी। मैंने कहा क्या आगे भी चेक करेंगे क्या ये लॉजिक काम कर रहा है, आपने कहा सर 2 की और 5 की गुणा करी तो 10 आना चाहिए था, हाँ सर 10 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 10 बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने कहा तो हमारा काम हो गया, आगे भी यही लॉजिक काम करेगा, मतलब 3 की और 9 की गुणा करूंगा मैं, तो 9 दिया कितने होते हैं 27, मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा 27। क्या मेरे ऑप्शन में है? आपका सर बिल्कुल ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बताओ टाइप समझ में आया या नहीं? अगर दोस्तों टाइप समझ में आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता तो चलना चाहिए, पूछा भी जा सकता है, कुछ नहीं पता कितना भी इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी का पेपर उठा कर देखो या कोई भी पेपर उठा कर देखो आप, इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आप एक्सरसाइज में देखना, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया, और मैं आपको क्वेश्चनों में सभी बता दूंगा कि कुछ क्वेश्चन में क्या करा गया है। दोस्तों मेरे साथ आप 100 से 150 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बस आप उनकी ही प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। दोस्तों दूसरा टाइप मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे लिख दिया उसने, मान लो 16 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ 25 लिख दिया उसने, यहाँ पर 36 लिख दिया उसने, यहाँ पर 49 लिख दिया उसने, यहाँ पर 64 लिख दिया उसने, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, और आपको 4 ऑप्शन वो दे देगा, ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 121 दोस्तों, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं सभी क्वेश्चन से रूबरू करा दूंगा, सभी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने को निकाल दूंगा, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए और आप सभी तरीके सीख जाओ दोस्तों। सबसे पहले लॉजिक दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते ही क्वेश्चन को लगा दोगे। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये 16 तो 4 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर ये 25 5 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर ये 36 6 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर ये 49 7 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर ये 64 8 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर जब हम सीरियल वाइज चल ही रहे हैं, जब हम सीक्वेंस से चल ही रहे हैं, तो अब यहाँ पर 9 का वर्ग आना चाहिए, यही तो बोलोगे आप, क्योंकि पहले 4 का वर्ग, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का वर्ग आना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ तो 80 बनाना चाहिए। मैंने कहा क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये डाउट हमारा क्लियर हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक टाइप और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें ही होता वो भी, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वहाँ हम सभी टाइप सीख लेंगे दोस्तों, वरना काफ़ी टाइम उनको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 16, इसमें लिख देता हूँ मैं 6, इसमें 9 लिख देता हूँ, यहाँ 8, यहाँ 3, और यहाँ मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पर क्या आएगा जी, रिक्त स्थान मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। ये ऑप्शन ए लिख देता हूँ 18, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 5। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप देखोगे यहाँ पर, आप कहोगे सर आपने पिछले वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये 4 का वर्ग तो ज़रूर है, पर ये सर 6 किसी का वर्ग नहीं बन रहा, इसका मतलब वो तरीका तो हमारा फेल होता दिख रहा है। तो आप कहोगे सर एक तरीका और इसमें बनता है कि सर हम 16 से 6 पर गए, तो मतलब हमने कितना 16 से 6 पर गए तो हमने कितना माइनस किया, हमने 10 माइनस किया सर। क्या पता लॉजिक इस तरीके से बन जाए कि सभी में 10-10 माइनस हो रहा हो। मैं कहता हूँ चेक कर लेते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर फिर हम 6 से 9 पर गए तो इसमें 3 प्लस हो रहा था,
मतलब सर लॉजिक कुछ बन नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ तक ही समझ जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस की हो ना ईमानदारी से, तो आप यहाँ तक ही समझ जाओगे क्वेश्चन में करना क्या है। आप कहोगे सर हमें एक लॉजिक दिखाई दे रहा है, ये सामने वाली संख्या जो है ये आपस में दुगनी है, एक दूसरे की दुगनी है, मतलब एक 16 है तो एक 8 है, मतलब 8 की दुगनी है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए। मैंने कहा आप यहाँ पर ध्यान देंगे 3 और 6 में, तो ये 3 इस खाने की, आपने से दूसरे खाने विपरीत वाले खाने की, ठीक है, ये भी आपस में दुगनी है, 3 का दुगना 6 है दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर इसका, इसके सामने का खाना कौन सा है, आप कहोगे सर ये खाना है प्रश्नवाचक, मतलब दोस्तों यहाँ भी तो 9 का दुगना होना चाहिए फिर। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर यहाँ पर 18 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना दोस्तों। अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे कहता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन SSC CGL 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, SSC CGL 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखते ही समझ जाने चाहिए यार अब क्वेश्चन में करना क्या है हमको, ठीक है, अब क्वेश्चन में करना क्या है। दोस्तों आपके दिमाग में सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना होता है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है दोस्तों, आप देखते ही समझ जाओगे अगर आप प्रैक्टिस किए हो। मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले लॉजिक हमको ट्राई क्या करना होता है, आप कहोगे सर 4 से 7, मतलब हमें पहले देख लेना होता है जुड़ और घट तो नहीं रहा कुछ, कभी कुछ जुड़ रहा हो, कभी कुछ घट रहा हो, या गुणा हो रही हो। दोस्तों आपने कहा सर हमने 4 से 7 देखा, मतलब हमने सोचा सर 3 प्लस हुआ है, अब हम फिर 7 से 11 गए, मतलब फिर सर 4 प्लस हुआ है, क्या पता हमारा इसी तरीके से लॉजिक बन जाए, पहले 3 प्लस फिर 4 प्लस फिर 5 प्लस, इस तरीके से लॉजिक भी तो बन सकता है ना। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, फिर हम 11 से 64, आप कहो सर यहाँ पर हमारा लॉजिक बिगड़ गया, हमारा यहाँ पर लॉजिक बिगड़ गया, मतलब ये तरीका आपको नहीं लगाना, आप देखते ही समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आएगा आपके, मैं आपसे कहता हूँ वर्ग और घन भी याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन बन जाता है, विषम संख्या में भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर ने एक तरीका बताया था, आपस में देखा इस तरीके से, आपने यहाँ पर ध्यान दिया आमने सामने खानों वाले में, ठीक है, जो जिसके सामने खाना है उसमें ध्यान दिया आपने कि उनमें तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। आपने कहा सर लॉजिक बन रहा है, ये जो है 7 का क्यूब है, 7 का घन है, मतलब दोस्तों ठीक है 7 का क्यूब है, मतलब 7 का अगर मैं घन करता हूँ दोस्तों तो कितना आता, 343 आता है। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ को देखोगे, ये दोस्तों क्या है, 64 क्या है, ये इसका क्यूब है, ठीक है, इसका घन है ये, ठीक है, 4 का घन 64। दोस्तों आपके लॉजिक समझ में आ गया होगा अब अच्छे तरीके से। तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सर यहाँ जो आएगा वो इसका क्यूब आएगा, 11 का क्यूब आएगा, आपको पता ही है लॉजिक लग रहा है ये वाला। तो दोस्तों आप कहोगे सर 11 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, आप कहोगे सर 1331, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस की बात थी दोस्तों, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस की बात थी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझा है तब। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट दिख गया होगा, मुझको मालूम है, ठीक है, फिर भी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किया होगा वो तो डायरेक्टली कर देगा। दोस्तों जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसको क्या करना था, वो इस तरीके से करेगा कि सर 14 था, 14 से 10 हुआ, मतलब कुछ जोड़ा या घटाया गया है, तो आपने कहा सर 4 इसमें घटा दिया गया, ठीक है, 14 में से 4 घटाया 10 आया, तो आप कहोगे सर फिर 10 से हम 9 पर गए, मतलब सर फिर 1 माइनस हुआ है, मतलब सर पहले 4 माइनस फिर 1 माइनस, फिर यहाँ से 9 से 7 पर गए फिर 2 माइनस, सर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, पहले 4 माइनस फिर 1 माइनस फिर 2 माइनस,
मतलब कुछ दोस्त तो जच नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आएगा, नहीं सर ने एक बात बताई थी हमको, सर ने एक बात बताई थी कि आमने सामने के खाने भी चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। सात के खाने का सामना क्या है, 14 तारीख, ठीक है। सात के खाने, सात के सामने कौन सा खाना है दोस्तों, 14 वाला। तो आपने कहा सर सात और 14 में क्या रिलेशन है, मतलब दोस्तों, मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका दुगना होकर सामने वाले खाने में लिख दिया गया है दोस्तों, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको, सर आगे भी चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ पाँच के सामने वाला खाना कौन सा है, 10 वाला दोस्तों, ठीक है। मतलब पाँच का दुगना करके सामने वाले खाने में लिख दिया गया है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहूँगा 9 के सामने वाला खाना कौन सा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाला दोस्तों, ठीक है। मतलब 9 का दुगना करके आगे वाले में लिख जाना चाहिए सामने वाले खाने में। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिले, यही लॉजिक काम करता है इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता भी होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तब दोस्तों, यही लॉजिक ऐसे क्वेश्चन में लगता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हमको लगाना है दोस्तों। आपने देखा ये 64 है, ठीक है। 64 जो बना है दोस्तों, ये इसका एक ये इस तरीके से ये खाना था दोस्तों, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा इसका एक, ठीक है, आप समझ सकते हो ये पूरा एक खाना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि चार खानों में डिवाइड है, तो पूरा एक ये खाना है। तो मतलब 64 जो बना है 5 और 3 से मिलकर बना है, और किस तरीके से बना होगा वो आपको सोचना है। तो दोस्तों आप कहोगे सर 3 और 5, 3 और 5 को मैंने जोड़ा कितना हुआ 8, सर मैंने उसका वर्ग कर दिया, मतलब 64 इस तरीके से बना है 64 सर। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक आया तुम्हारे दिमाग में। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये खाना हमने कंप्लीट कर लिया, एक खाना कंप्लीट, 3 और 5 को जोड़ा उसका वर्ग जो आ गया दोस्तों वो कितना हुआ 64। उसी तरीके से हम दूसरा खाना कंप्लीट करेंगे, ये हमारा दूसरा खाना दोस्तों, ठीक है। मतलब 5 और 4 को हमने जोड़ा 9 का वर्ग करा 81, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब तीसरा खाना कंप्लीट करेंगे, आप कहोगे सर 4 और 2 6 का वर्ग 36। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमको यहाँ पर बताना क्या आएगा। तो मैं कहूँगा आपको ये कंप्लीट करना तो बहुत आसान हो गया। अब 4 और 6 10, 10 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों यहाँ 100। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी बताओ, कितना आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सेम कुछ भी नहीं है, आप उसको समझ गए तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 100 से 150, आपको हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा और आसानी से सभी क्वेश्चन सीख जाओगे दोस्तों। अभी फ़ोन में आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने वहाँ से कट कर दिया, ठीक है, फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कट गया था, फिर उसको दोबारा से बनाना पड़ रहा है, ठीक है, बीच में से। तो दोस्तों प्रॉब्लम आती रहती हैं, ये दोस्तों प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी यार। वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपने कर भी लिया होगा दोस्तों। आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हमको कैसे सॉल्व करना होता है, हमको एक एक खाना दोस्तों पकड़ लेना होता है कि हमको पहले ये खाना सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी एक खाना हमें सॉल्व करना है दोस्तों। कोई भी एक खाना हम सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले हमने देखा इस खाने को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब मैंने देखा दोस्तों 2 और 9, 9 2 11, अगर मैं 11 को जो कर लेता हूँ, मान लो जोड़ लेता हूँ पहले इनको 9 और 2 11 कर लेता हूँ, तो मैंने क्या देखा 11 का क्यूब करूँगा तब भी 343 नहीं होता है, 11 का वर्ग करूँगा
तब भी दोस्तों 343 नहीं होता, मतलब इसका और कुछ लॉजिक है। तो मैंने देखा सर 9 को और 2 को आपस में घटा लिया जाए, आपस में माइनस कर लिया जाए, मतलब 7 बचेगा। फिर सर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमें 343 मिल जाएगा। ये तरीका आपके समझ में आया या नहीं? इसमें ये लॉजिक लग रहा है जो आपको अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको सर आगे भी चेक करेंगे हम इसी तरीके से, मैं कहूँगा चेक कर लो। आपने कहा सर इस खाने में हम चेक करेंगे, आपने देखा सर हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करने को बोला था आपने, मतलब 26 में से 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? आप कहो सर 14 आ जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा। उसका क्या करेंगे हम दोस्तों, क्यूब करेंगे। दोस्तों आप क्यूब करके देख सकते हो कितना आ जाएगा, 27 44, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा ये नियम फॉलो कर रहा है दोस्तों। आगे चेक करेंगे, आप कहोगे सर आगे हम इस खाने को चेक करेंगे, मतलब 8 - 2 = 6, 6 का क्यूब करेंगे हम 216, ये तो बहुत आसान था। तो आप कहोगे सर हमारे लॉजिक समझ में आ गया, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं अब, मतलब 22 इन दोनों को जब इस खाने को हम सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे 22 - 10 कितना बचेगा? आप बोलो सर 12, 12 का क्यूब मैं आपसे कहता हूँ, बता सकते हो आप? बता सकते हो क्या? आप कहो सर क्यों नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हैं कितना होता है। आप कहो सर ऑप्शन नंबर डी 17 28, ऑप्शन नंबर डी 17 28, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, आसानी से सोल्व कर लेंगे हम पूरे चैप्टर को। हम बहुत आसानी से सभी चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत आती है किसी चैप्टर में, दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है हर चैप्टर की, हमको मिल जाएगी वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सोल्व हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है इसने, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये जो आया है, ये 21 जो आया है, 21 जो आया है दोस्तों, 64 36 और 49 को ही किसी तरीके से मैनेज करके 21 बना है दोस्तों, ठीक है। ये तो क्लियर होनी चाहिए बात, बाहर की संख्याओं को ही मैनेज करके बीच की संख्या बनी है, मतलब हमको बीच की संख्या बतानी है। तो हमें इस 21 से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है ये 64 36 और 49 से किस तरीके से हम 21 बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप कहोगे सर अगर आप प्रैक्टिस किए तो आप कहोगे सर ये 7 का वर्ग होता है, ये 8 का होता है, ये 6 का होता है दोस्तों, ये 6 का होता है, ठीक है। आप कहोगे सर 8 7 15 15 6 21, मतलब इस तरीके से 21 बना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से 21 बना है, मतलब दोस्तों क्लियर है, ये किसका वर्ग? 7 का, ये 8 का, ये 6 का, मतलब इनको जोड़कर दोस्तों 21 बन गया, क्लियर है। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आया या नहीं आपको? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं आपसे कहता हूँ ये किसका वर्ग है, आपको सर 10 का। मैं आपसे कहता हूँ ये किसका है, आपको सर 11 का। मैं आपसे कहता हूँ ये किसका, आपको सर 9 का। तो मैं कहूँगा इनको जोड़ने के बाद कितना बना, आपको सर 11 और 9 कितने हो गए, 20 और 10 कितना हो गया, 30। सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। पर मुझको लगता नहीं किसी स्टूडेंट को पूछने की ज़रूरत है दोस्तों। आप कमेंट में कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, बताया जरूर करो अपना, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, कुछ भी दोस्तों पूछ लिया करो। और किसी को पर्सनली बात करनी है दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।